क्लास में आप सबका स्वागत है। और चूंकि एडवांस डिप्लोमा की क्लास चल रही है और हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेस के बारे में, और लास्ट डे हमने बनाया था फॉर्म। उससे पहले मैं एक फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम पॉइंट्स नोट करते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ी तो हम पढ़ पढ़ के अपने प्रैक्टिकल को फिर से कर पाए। यही नोट्स का पर्पज होता है। जैसे आप देखिए, मैंने बनाया कि पहली चीज मैंने नोट किया है कि एमएस एक्सेस होता क्या है। देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा है तो लिखा हुआ है एमएस एक्सिस इज आल्सो नोन एज ऑफिस एक्सिस। एमएस एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑफिस एक्सिस, या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस। कह रहा है इट इज ए डाटा बेस मैनेजमेंट। ये क्या करता है? डाटा बेस मैनेजमेंट करता है, सिस्टम है। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सिस, मानी एक्सिस की मदद से वी कैन क्रिएट ए डाटा बेस। क्या करते हैं हम इसकी मदद से? डाटा बेस तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? डाटा बेस तैयार करते हैं और उसे मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? उसे मैनेज करते हैं। एंड वी कैन आल्सो क्रिएट ए फॉर्म। और क्या बनाते हैं हम लोग? इसी के मदद से हम लोग फॉर्म भी क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, एंड क्वेरी। और क्या करते हैं उस पर? क्वेरी वगैरह भी करते हैं। और कहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, दिस एक्सेस इज दैट वाइल क्रिएटिंग और मैनेजिंग डाटाबेस वी डो नॉट हैव टेक हेल्प एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जब हम इस पे काम करेंगे तो हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आप एमएस एक्सेस पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना, अगर मैं पूछूं उसका एक्सटेंशन नेम क्या है, उसके इन्वेंटर कब कब इन्वेंट किया गया था, कब आया था वो, किस लैंग्वेज पे बनाया गया है, बताएंगे आप किस लैंग्वेज पे बनाया गया है, किस लैंग्वेज की मदद से एमएस एक्सेस बनाया गया है? नहीं पता। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कह रहा है कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है। एमएस एक्सेस रोड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी चीजों पर आधारित है? तीन या चार? हाँ, तीन या चार, कितनी चीजें आधारित है ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए। फैज नाम है, बताइए, बैठे बैठे बताइए। तीन होते हैं, दो होते हैं, कितने होते हैं? दो, GUI और CUI लिख लीजिएगा। दो होते हैं, GUI एंड CUI। ऑप्शन बहुत कम सही होते हैं मेरे, पहले बता चुका हूँ। क्यों, सही बात है ना? तो दो होते हैं बाबू, लिख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग शॉर्ट फॉर्म में OS, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजें पर आधारित होता है, पहला है CUI और दूसरा होता है GUI। CUI और GUI, पहले के कंप्यूटर सिस्टम CUI पे आधारित थे, तो बोलते थे कैरेक्टर कमाना वगैरह, तो वह पढ़ने नहीं आ रहे थे इसीलिए रहा वो इन्हें नहीं कर। तो कौन बोला सिंगल कहाँ के ला कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इंटरफेस टेक्नोलॉजी। और इसका होता है ग्राफिकल, ग्राफिकल स्क्रीन, वहां पर एरिया दे दिया है, ग्राफिकल होता है, ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है ना, तो मिठाई ले जाना, क्या करें, अमान नाम है ना, अमान मलिक है। हो गया क्या? तो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बना रहे थे बाबू? CUI पे, कैरेक्टर पे। और अभी के किस पर जा रहे थे? CUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो एमएस एक्सेस है वो किस पे आधारित है? एमएस एक्सेस प्रो किस पे आधारित है? वर्क ऑन। एमएस एक्सेस किस पे वर्क करता है? वर्क ऑन किस पे? ग्राफिकली, PHI होगा, बताइए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे लिख लीजिएगा कि जो आपका एमएस सक्सेस है वो GUI बेस्ड है, ऐसा लिख लीजिएगा। ये कौन सी टाइमिंग है यार, मैं तो कहाँ हूँ, जल्दी आया हूँ, बैठ जा, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कोई दिक्कत है क्या? चलिए,
वेरी इजी टू रन एंड मैनेज, और ये क्या है, बहुत ही आसान होता है भाई। कोई भी चीज, नई चीजें क्यों आती है, फोन पहले भी यूज करते थे कीपैड वाला, लेकिन एंड्रॉइड आने का मतलब क्या था कि जैसे जैसे जनरेशन बदल रहा है, हम खुद को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। जैसे पहले के हम लोग जो पैंट पहनते थे कि मोरी नहीं तो इतनी चौड़ी होती थी सलवार टाइप की, लेकिन अब पहनते क्या हम लोग, नहीं पहनते, क्यों, क्योंकि जनरेशन बदल रहा है, तो हम भी मॉडर्न बनते जा रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं ना, वही सारी चीजें हैं। अब वही फैशन लड़कियों में चला गया है, वो लोग पहनते हैं चौड़े, लेकिन हम लोग नहीं पहनते लड़कों में, है ना, नहीं पहनते। हाँ पहन रहे हो, तो पैजामा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पाइंडी की बात। अरे अरे भाई वो अलग, ट्राउजर वगैरह की बात करने लगे ना तुम, पजामा जो जींस का पैंट उससे आता है, इतना भाई बड़ा लड़कों में। ठीक है, जीत गए आप लोग, कोई बात नहीं है, पॉइंट पे आ जाइए। तो ये समझ में आ गया आप लोगों ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एमएस एक्सेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल, उसका एक्सटेंशन नेम है, एक्सटर्नल नहीं होगा, एक्सटेंशन होगा, इज दैट एक्सटेंशन सही कर लीजिए, और उसका डेवलपर कौन है, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। लिखेंगे, यह एक्सटर्नल नहीं होगा, क्या होगा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन नहीं, डॉट ए सी सी डी वी लिख रहे हो जी, अरे बारात उरात में होगा, बहुत मार खाओगे, लिखना वो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ये सब तो लिखते ही है, तो जो नए आए इन्हें लिखे, पुराना पढ़ा रहा हूँ, लिख नहीं करो आईडी कार्ड पे, नहीं तो डिटेल आई आईडी कार्ड पर डॉट एटीपी, और लॉन्च कब हुआ था, 13 नवंबर 1992 में, और पेज नेम क्या था, याद करिए पेज नेम क्या था, याद है ना, पहले हम क्या बनाए थे, टेबल ही बनाए थे, टेबल वाले लेके आ रहा था अपने आप, उसके बाद फॉर्म क्रिएट किए थे, नोट कर लीजिए, शुरू से ही है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जो पीडीएफ कहेंगे आपको तो फॉरवर्ड करवा दूंगा मैं आपको, इससे हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज से बनाया गया है, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस क्या है, लैंग्वेज है सी, सी प्लस प्लस, जावा, मैन जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सब क्या है लैंग्वेज, ठीक है, और इसका डेवलपर कौन है, तो डेवलप करने वाला कौन है, एमएस कॉर्पोरेशन, एमएस कॉर्पोरेशन का मतलब, एमएस मतलब माइक्रो, बस देख लीजिएगा इसका डेवलपर कौन है, एमएस कॉर्पोरेशन, सोनिया ठीक है, देखे हो बिल्कुल, कल नहीं आया किस में, आप काफी अच्छे, आप तो नहीं आ रहे थे, कल ही नहीं आए, 2 दिन रात कौन करेगी, इंसान आप लोगों का होगा, ठीक है, कोशिश करें डेली पढ़ने हैं, ठंड के क्या है, आप लोगों का क्लास बहुत लेट है, सुबह 7-7 बजे बच्चे आ जा रहे हैं पढ़ने, है ना, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट है क्या, चलिए चलिए अब आगे चलते हैं, उसके बाद से है आपका, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें से, हम ए पढ़ चुके हैं टू ओपन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस को ओपन करने के क्या करना है, विंडो आर प्रेस करना है, और क्या टाइप करना है, एमएस एक्सेस, स्पेस दे के नहीं लिखना है, एक ही में चिपका के लिखना है एमएस एक्सेस, ठीक है। और पहला काम क्या कर चुके हैं हम लोग, ये वाला काम कर चुके हैं, क्या एक टाइप हेडिंग था, एक टाइप डाटा टाइप था, रजिस्ट्रेशन नंबर, नंबर याद आ रहा है ना, स्टूडेंट नेम, सॉर्ट एक्स, एड्रेस, सॉर्ट एक्स, कोड, टी, सब याद आ रहा है ना, ठीक, ये सब तो हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है। और उसके बारे में देखिए लिखा गया है, टू मेक ए डाटा बेस इन एक्सेस, फर्स्टली वी क्रिएट अ हेडिंग एंड डाटा टाइप, ये सब चीजें आपको खुद से लिखनी थी, पर कोई बात नहीं, नहीं लिखे हैं तो ये मैं आपको दे दूंगा। और फॉर्म भी बना चुके हैं हम लोग, ये फिल्टर लगाना बताइए आप लोगों को, शॉर्ट एंड फिल्टर, ये क्रिएट हो ही गया, हाँ दो शॉर्टकट की लिख लीजिएगा, दो से, बाकी तो सब आप जानते हैं, सिंगल बेस का जानते हैं, फाइंड का जानते हैं, स्पेल चेक का जानते हैं, बस दो लिख लीजिएगा, सेव करेंगे सॉफ्टवेयर की, शिफ्ट प्लस एंटर, और डिलीट करने की डेल बटन होती है, और इसका क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस 10, ये 3 प्रकार की,
गया, सिर्फ तीन ही लिखना है, बाकी तो आपको पता ही है, पैसे वगैरह सब पता ही है। होता है होता हो गया। हेलो इसके बाद ये भी पढ़ते हैं हम लोग, टू क्रिएट अ फॉर्म, फॉर्म बनना कल ही पढ़े थे ना। ठीक है, आज हमको यही पढ़ना है, हेडिंग बनाइए सब। टू अप्लाई हेडिंग हेडर फुटर, ब्लैक पेन से लिखिएगा, टू अप्लाई हेडिंग हेडर फुटर और लोगो। तो पहले लोगो का पूरा नाम था लॉजिक ऑरिएंटेड और ग्राफिक ऑरिएंटेड, लेकिन अभी चेंज हो गया है। अभी क्या हो गया है, अभी इसका फुल फॉर्म हो गया है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ऑरिएंटेड। अभी इसका नाम हो गया है, लोगो का पूरा नाम हो गया है लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ऑरिएंटेड। ओके, लोगो का पूरा नाम क्या होता है, लोगो क्या होते हैं, एक ग्राफिकल होता है ना, जैसे गायत्री का लोगो है, देखते हैं आप आईडी कार्ड पे हर जगह गायत्री वाला लोगो बना हुआ है ना, वो लोगो है। लैंग्वेज ऑफ ग्राफिकल ऑरिएंटेड, ठीक है, पहले लोग बोलते थे लॉजिक ऑरिएंटेड, ग्राफिक ऑरिएंटेड, ठीक है, चेंज हो गया। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम देखना है कि हम लोगों ने जो फॉर्म बनाया था, क्या बनाया था, जो फॉर्म बनाया था उस फॉर्म पे लोगो कैसे लगाएंगे, सबसे आसान तरीका है। तो सबसे पहले विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस में बार बार बोलते हैं स्पेस नहीं देना है, और क्या करेंगे, ओके कर देंगे, एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद से हम आ जाएंगे अपने बैच बोर्ड में, यही कल सेव किए थे ना 12.4 के नाम से, और यही था हमारा तो फॉर्म है स्टूडेंट लिस्ट है, दो कल बनाए थे हम लोग, एक बन गया था स्टूडेंट ही और एक फॉर्म बना, यही बना था ना, अभी तक हम यही पढ़े हैं। अच्छा फॉर्म ओपन करिए, फॉर्म ओपन हो गया ना, लेकिन फॉर्म पे कहीं लोगो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, बाकी बटन वगैरह सब कुछ आ ही रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले इसका व्यू चेंज कर लेते हैं, क्या चेंज करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज एडिटिंग करना होता है किस व्यू पे काम करता है, डिजाइन एडिटिंग व्यू कहाँ है, डिजाइन व्यू पे, कहाँ पे, डिजाइन। जैसे डिजाइन व्यू पे आएंगे, डिजाइन टैब के भीतर, डिजाइन मेनू के भीतर आपको एक ऑप्शन दीजिएगा है हेडर एंड फुटर ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम हेडर एंड फुटर ग्रुप है, क्या नाम है, हेडर एंड फुटर ग्रुप, जिसमें पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, बस लोगो पे क्लिक करिए, पूछेगा लोकेशन कहाँ है, लोकेशन में आप ले लीजिए पिक्चर, पिक्चर में देखिए जो आपको सही लग जाए, ये रहा जीआईटी का लोगो, लोगो पे कर दिए, देखिएगा यहाँ लोगो लग गया, लग गया। अब आप चाहे तो वापस से इसको सेव कर लीजिएगा या फिर डायरेक्टली चेंज कर लीजिए फॉर्म, देखिए यहाँ लोगो लग गया। तो होता है ना, किस किस विद्यालय का फॉर्म है उसका लोगो नहीं लगा रहता है, लगा रहता है। और चाहते हैं नाम भी लिख दें तो नाम भी लिख सकते हैं, नाम लिखना भी बहुत आसान है, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सिलेक्ट करके डी दबाएंगे डिलीट हो जाएगा टेन बटन, या नाम भी लिखना है तो कहाँ क्लिक करेंगे, क्या पे, टाइटल, टाइटल पे क्लिक करें और यहाँ लिख दीजिएगा क्या, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना को, बस पटोना लिख दिए, पटोना लिख दिए, बस हो गए। और चाहते हैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल डेकोरेट करना, तो सिलेक्ट करके आ जाइए होम टैब में, यहीं से क्या कर लीजिए, बोल्ड इटैलिक कलर चेंज कर लीजिए, साइज बढ़ाना हो साइज बढ़ा लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, ठीक है, अंडरलाइन तो अंडरलाइन सब है। अब तो करने के बाद से हम इस फॉर्म को सेव कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सेव और व्यू चेंज कर लीजिए, आप देख सकते हैं।
आगे कि नहीं आ गया, लोगो भी आ रहा है और गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुटोगो। अच्छा और कर लेते हैं, व्यू में आ जाते हैं, डिजाइन व्यू में, और हम चाहते हैं कि हमारे पेज पे डेट एंड टाइम भी लिखे, कि डेट होता है ना कि आप इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज करते होंगे या कोई फॉर्म वगैरह तो लिखता है या राशन कार्ड का लोग प्रिंट आउट मारते हैं तो उसपे लिखता है कि कब डाउनलोड किया गया, ऊपर पेज ऑफ लिख देता है, या स्कॉलरशिप का स्टेटस निकालते तो उस पर भी लिख देता है। चाहते हैं ऐसा कुछ तो डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है, बस डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। अभी आपसे पूछता है कि क्या क्या चाहिए आपको, सिर्फ डेट चाहिए कि सिर्फ टाइम चाहिए या दोनों चाहिए? अगर दोनों चाहिए तो इंक्लूड वाला जो लगा हुआ है यहाँ पे दोनों को टिक कर दीजिएगा। दोनों को टिक करने से क्या मतलब, इंक्लूड डेट इंक्लूड टाइम, मतलब डेट और टाइम दोनों आएगा। नीचे फॉर्मेट दिखा रहा है सैंपल में, थर्सडे जनवरी 4, 2024 12:56, ऐसा दिखाएगा। ओके करिए, दोनों एक साथ आ जाएंगे। थोड़ा डेट उधर चला गया है, हल्का सा इसको नहीं होता, हल्का सा इधर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा पीछे चला जाएगा, थोड़ा ध्यान से काम करिए। ठीक है, परफेक्ट है, इसको भी ठीक परफेक्ट। बस इतने रहने दीजिए, सेव करके देखिए क्या हो रहा है, और व्यू चेंज कर लीजिए और कह दीजिए ठीक आया है, ठीक आ रहा है ना। थर्सडे जनवरी 4, 2024 12:31, 12 यानी कैसे डेट एंड टाइम लागे हो जाएगा, स्टेप लिख लीजिए। चलिए स्टेप लिख लीजिए फटाक से, ए रहा यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट से लेके अप्लाई कर, नोट कर लीजिए, लीजिएगा दिक्कत। चलिए अगला हेडिंग बना लीजिए, एक टॉपिक और पढ़ लीजिए आज का, तो जिसका नाम है रिपोर्ट। क्या नाम है, हेडिंग बना लीजिए रिपोर्ट, और रिपोर्ट हेडिंग बनाने के बाद ये जो स्टेप दिए हैं इन स्टेप को लिख लीजिए, बस इतना कर लीजिए। बताए तो सबसे पहले समझेंगे रिपोर्ट होता क्या है। जैसा कि आपने सबने फॉर्म बनाया था, लगभग 5, 7, 10 लोग की लिस्ट बनाई थी हमने, और हमें नेक्स्ट करने पर सबका डिटेल आ रहा था कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक रिपोर्ट तैयार करें जिससे ये पता चले कि हमारे लिस्ट में कितने लोग हैं और उनकी शॉर्ट में, मतलब पूरा नहीं होता, जैसे नहीं था कि कभी कभी मूवी आती है तो सबसे पहले ट्रेलर आता है, और ट्रेलर देखिए हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि हाँ इसके बाद ऐसा कुछ होगा, विलेन खा जाएगा, हीरोइन को मार होगा, मतलब तो अजीब अजीब सा कुछ हल्का सा पता, एक शॉर्टकट में रिव्यू दिखा देता है ना, स्टोरी पता चल जाती है। वैसे इसके बारे में चाहते हैं कि हम सारा लिस्ट जो 10 लोग का है एक ही पेज पे लेते हैं, उसके लिए करना क्या होगा, बहुत सिंपल सा तरीका है, चलिए फॉलो करते हैं इसके स्टेप को। आप आ जाएंगे कहाँ पे, क्रिएट पे, कहाँ पे क्रिएट पे, और रिपोर्ट वाले सेक्शन में एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट विजर्ड, क्या लिखा हुआ है, बस इस रिपोर्ट विजर्ड पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि कौन सा टेबल लेना चाहते हैं, यहाँ बताइए हमने कितने टेबल बनाए हुए थे, टेबल के भीतर कितने टेबल दिख रहे हैं आपको, एक ही दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक ही दिख रहा है, और 3-4 होता तो ये पूछता जरूर कि किसका आपको बनाना है, तब आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके सिलेक्ट करते, लेकिन अभी कितनी लिस्ट बनाई है आपने, एक ही, तो एक ही दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछेगा प्रियोरिटी किसको किसको देना चाहते हैं, मतलब किसको किसको रखना चाहते हैं अपनी लिस्ट में, तो मैंने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, स्टूडेंट नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, जेंडर की जरूरत नहीं है, कोर्स रहेगा, और क्या ले लिया जाए, मोबाइल नंबर ले लिया जाए, फी कहाँ रहता है, आईडी कार्ड पे फी रहता है, मतलब सोचा हूँ शॉर्ट में रिव्यू ले जाओ, लेते रह जाएंगे, फोटो ठीक है, और फोटो ले ले, चलिए फोटो ले लीजिए, ओके, और क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब पूछेगा कि इसमें डू यू वांट ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल, किसी और को भी ऐड करना चाहते हैं, नहीं 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 रखना चाहते हैं, हाँ, और पूछेगा क्या इनमें से किसी को प्रियोरिटी देना चाहते हैं, किसको प्रियोरिटी दी जाए, नहीं रजिस्टर नंबर को, सबसे ऊपर रजिस्टर नंबर रहता है ना, मैंने प्रियोरिटी किसको दे दी, बस नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। पूछेगा किसका लेआउट कैसा रखना है, स्टेप मतलब एक एक स्टेप करके या ब्लॉक करके आउटलाइन, स्टेप बाय स्टेप, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट ही रहेगा, तभी तो ज़्यादा आएगा, लैंडस्केप में कम हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, पूछेगा कि प्रीव्यू देखना चाहते हैं, मैं बोला नहीं, मॉडिफाई रिपोर्ट डिजाइन पे क्लिक करके वो फिनिश कर देंगे, देखिएगा लिस्ट बन के आ गए।
अब थोड़ा थोड़ा सा ये स्पीच जो आया है इसको थोड़ा सा ड्रैग करके जो भी मांग रहा होगा थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, बड़ा कर लीजिएगा ताकि सब अच्छे से दिखे, ठीक है, ऐसे सबका दिखे। बस देखने के बाद यहाँ से व्यू चेंज करना जानते हैं आप लोग, किस व्यू में कहाँ आएंगे, देखिए सबका रिपोर्ट आ जाएगा इस तरह, धीरे धीरे आ रहा है, ठीक देख रहे ना, स्पेस सही नहीं होगा ना, अगर स्पेस सही से नहीं देंगे तो दिक्कत होगी, इसीलिए फोटो नहीं ले रहा था क्योंकि फोटो की साइज बहुत बड़ी है ना, सब सेट करना पड़ेगा वापस से, डिजाइन भी में अब देखिए किसकी किसकी साइज बड़ी दे दी गई है, लेकिन फोटो बहुत बड़ा हो गया, देखो फोटो कितना बड़ा बड़ा हुआ है, देख रहो क्या कर दिया इसको, पहले फोटो पहले पहले तो छोटा है वो, बस इतना ही ठीक है, एक एक इतना ही ठीक है, इसको और इस फोटो को भी क्या कर दिया है, देख रहे हैं ना, अब देखिए अब सही सही आएगा थोड़ा सा, अब सबका ऐसे करना पड़ेगा, जितना नीचे है ना जिसका जिसका दिया होगा सबका सही करना पड़ेगा ऐसे, अब सेट हो जाएगा, क्या कर दीजिएगा सेव करके फिर से व्यू क्या कर दीजिएगा, देखिए फोटो छोटा हो गया, हाँ राम प्रताप BLK ADFA मोबाइल नंबर सेट हो गया सबका, एक पेज हटाना था सबका आगे, एक क्या तैयार किए हैं आप लोग, देखिए तुरंत रिपोर्ट के भीतर एक लिस्ट बन गई, किस नाम से, तो रिपोर्ट बना लेंगे ना बाकी क्लास में, आपको ये दो काम करना है, क्या क्या करना है बाबू, एक लोगो हेडर लगाना है और दूसरा क्या करना है रिपोर्ट तैयार करना है, और दोनों स्टेप मैंने लिखवा ही दिया, स्टेप तो हेल्प करेंगे ना आप, सारे स्टेप देख के भी करेंगे तो सारा काम हो जाएगा, क्यों कब क्या क्या सिलेक्ट करना है कहाँ जाना है, ठीक है हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू क्लास, और आप लोग अगर बोलेंगे